एनसीआर परिक्षेत्र के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है और एक कमीशन की स्थापना की है अध्यादेश के द्वारा, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये प्रभावी भी रहेगी और ये कारगर साबित होगी, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण केवल एक राज्य के लिए सीमित नहीं है, ये एक एयर शेड है जिसमें हरियाणा का कुछ हिस्सा, पंजाब का घटनाओं से भी परिणाम होता है, फिर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, थोड़ा राजस्थान का भी परिणाम होता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ से परिणाम होता है दिल्ली के प्रदूषण पर, ऐसे सभी एरिया का और उस फोकस देने के लिए ये कमीशन की स्थापना की है। अभी तक कोर्ट द्वारा या बाकी अलग अलग प्रोविजन में जो अलग अलग बार बार कमेटियाँ और अथॉरिटी स्थापन हुए, उससे ये एक नए कानूनी स्थिति बन रही है और इसके द्वारा ये प्रभावी कदम उठाएंगे। ये 17 मेंबर का बोर्ड रहेगा, 7 मेंबर फुल टाइमर्स रहेंगे और ये सब फील्ड में सभी प्रकार जो कारक है प्रदूषण के, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, उन पर कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं और इसमें दंड भी ज़्यादा है। इसमें उनके हाथ में दंड के साथ साथ सजा का प्रोविज़न भी 1 साल से 5 साल और 1 लाख से 1 करोड़, इतना फर्क हुआ है। तो मुझे लगता है ये दिल्ली के प्रदूषण को ठीक करने में और अच्छी स्थिति लाने के लिए ये निश्चित उपयोगी और कारगर साबित होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।